आखिर क्यों 12 बजे खाली करना पड़ता है होटल का कमरा? टेढ़ी होने के बावजूद भी भूकंप में क्यों नहीं गिरती है पिज्जा की मीनार? और इस देश में मिट्टी से बनी रोटी क्यों खाते हैं लोग? एक स्कूटर बेचने पर कितने रुपए कमाता है शोरूम मालिक? और टाइटैनिक में सफर करने के लिए एक यात्री को कितने रुपए करने पड़ते थे खर्च? फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसमें जानमाल का काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में आग लगने के पीछे सिर्फ लापरवाही नहीं होती है, बल्कि कई बार गंदगी की वजह से भी आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर घर के बेड पर गंदी या पुरानी बेडशीट बिछी होती है तो इससे आग लगने और फैलने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गंदी बेडशीट सिर्फ सेहत के लिए ही हानिकारक नहीं होती है, बल्कि इससे आग लगने का खतरा भी रहता है। दरअसल बेडशीट में इंसानी शरीर से रिलीज होने वाला पसीना, धूल, मिट्टी और त्वचा की मृत कोशिकाएं चिपकी होती हैं, जो ज्वलनशील तत्वों में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में अगर घर में आग लगती है तो बेडशीट उस आग को जल्दी से कैच कर लेती है और आग तेजी से पूरे कमरे में फैल जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति रात को सोते समय बालों में तेल और त्वचा पर क्रीम लगाता है तो उस स्थिति में बेडशीट पर अधिक तेलीय पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं और यह सभी चीजें बेडशीट को ज्वलनशील बना देती हैं। ऐसे में जरूरी है कि बेडशीट को समय समय पर धोया जाए ताकि उसमें मौजूद गंदगी और ज्वलनशील तत्व आसानी से हट जाए। इसी तरह होटल रूम्स में बिछाई जाने वाली बेडशीट को भी जल्दी जल्दी धोया जाता है ताकि उसमें गंदगी नजर न आए और आग लगने की घटना को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा बेडशीट को धोने से एलर्जी और त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा भी कम हो जाता है, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर टू, गर्मी के सीजन में ज्यादातर लोग घूमने के लिए दूसरे शहर और हिल स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ ठहरने के लिए होटल में कमरा बुक करना पड़ता है। ऐसे में होटल वाले एक नियम का बड़ी सख्ती से पालन करते हैं, जिसके तहत गेस्ट चाहे कितने ही बजे कमरे में चेक इन करे, लेकिन उसे अगले दिन 12 बजे से पहले चेकआउट करना पड़ता है। यानी होटल में चेकआउट का समय 12 बजे तय होता है, जिसकी वजह से गेस्ट एक मिनट भी ज्यादा होटल रूम में नहीं ठहर सकता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि होटल में चेकआउट टाइम 12 बजे निर्धारित क्यों किया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस नियम की वजह से होटल को मैनेज करना आसान होता है। दरअसल चेकआउट का टाइम रखने की वजह से दूसरे गेस्ट को कमरा सही समय पर दिया जा सकता है, जबकि इस दौरान कर्मचारियों को कमरे की साफ सफाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके अलावा 12 बजे चेकआउट टाइम रखने से कमरे में ठहरने वाले गेस्ट को देर से सोकर उठने में आसानी होती है, जबकि वह तय समय पर कमरा खाली करके चले जाते हैं। अगर होटल में चेकआउट का समय निर्धारित नहीं किया जाएगा तो गेस्ट अपनी मर्जी से कभी भी चेकआउट करेंगे। इससे कमरों को नई बुकिंग पर लगाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे होटल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं चेकआउट टाइम में बदलाव होने की वजह से कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। नंबर थ्री, आज के दौर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति आ गई है, जिसकी वजह से शहरों में कई शोरूम खुल चुके हैं और उनमें कार से लेकर बाइक और स्कूटर की धड़ाधड़ बिक्री हो रही है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शोरूम में 1 लाख रुपए की कीमत वाले स्कूटर की बिक्री होती है तो उससे शोरूम मालिक को कितने रुपए कमाने का मौका मिलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि शोरूम में कार या स्कूटर की बिक्री को लेकर पहले से ही कंपनी और मालिक के बीच एक कमीशन तय होता है, जो व्हीकल की कॉस्ट और डिमांड आदि पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर किसी शोरूम में 1 लाख रुपए की कीमत वाला स्कूटर बिकता है तो उस स्थिति में कंपनी शोरूम मालिक को 6% तक कमीशन देती है। इसके अलावा शोरूम मालिक को इंश्योरेंस और अन्य प्रकार की कागजी कार्रवाई पर भी कंपनी की तरफ से कमीशन दिया जाता है, जिससे एक स्कूटर की बिक्री पर ही शोरूम मालिक की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी कमाई से शोरूम मालिक कर्मचारियों की सैलरी व अन्य प्रकार के खर्च निकालता है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शोरूम के मालिक कितनी कमाई करते होंगे। नंबर फोर, दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान को 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोगों को रोटी नसीब नहीं हो पाती है और उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता है, जबकि कई लोग रोजाना भोजन की बर्बादी करते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां के लोग अपनी भूख शांत करने के लिए मिट्टी से बनी रोटी खाते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इस देश का नाम हैती है, जहां के नागरिक बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। ऐसे में लोगों के पास रोजाना रोटी खाने के पैसे नहीं हो पाते हैं और न ही उनके पास बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवाई होती है, जिसकी वजह से वह मिट्टी से बनी रोटी खाने पर मजबूर हैं। इस देश के लोग पहाड़ी इलाकों से मिट्टी इकट्ठा करते हैं, जिसमें खनिज और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। यह लोग उस मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर एक पतला लेप तैयार करते हैं।
और फिर उस लेप को छोटी छोटी रोटियों का आकार देकर धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी सूख कर कड़क रूप ले लेती है। इसके बाद मिट्टी की रोटी को कुकीज की तरह खाया जाता है, जिससे न सिर्फ पेट की भूख शांत होती है बल्कि आम लोगों को मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। हालांकि मिट्टी से बनी रोटी को खाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इसे तोड़ने और चबाने में काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जबकि इसका सेवन करने पर रोटी खाने का एहसास भी नहीं होता है। नंबर 5, धरती का इतिहास बहुत ही पुराना और रोमांचक रहा है, जहां समय समय पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसे में उन घटनाओं के निशान आज भी धरती की जमीन पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ निशानों को देखकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही रहस्यमय आकृति पेरू के नजका रेगिस्तान में एक बड़े इलाके में देखने को मिलती है, जहां जमीन पर अजीबोगरीब डिजाइन के चित्र बने हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन चित्रों पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यह डिजाइन आज से लगभग 2000 साल पुराने हैं। इनमें बिल्ली से लेकर मकड़ी की तरह दिखने वाली अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं, जिनके पीछे क्या रहस्य छिपा है और उन्हें किस मकसद से बनाया गया था, ये आज भी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इन चित्रों का साइज 121 फीट से भी ज्यादा है, जिन्हें स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी आकृति को जमीन पर बना पाना इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए इन चित्रों को बनाने के पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है। वहीं इन चित्रों पर कई सालों से रिसर्च कर रहे शोधकर्ताओं का मानना है कि यह प्राचीन पेरू में रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए हैं, जिसका संबंध सिंचाई से हो सकता है। हालांकि इस थ्योरी को पूरी तरह से साबित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इन निशानों को एलियंस के UFO लैंड होने के निशान के रूप में देखा जाता है, और पेरू के लोग इन निशानों को बेहद पवित्र मानते हैं। नंबर 6, इस दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं, जिन्हें उनकी अविश्वसनीय कलाकृति और आकार की वजह से यह दर्जा दिया गया है। इन्हीं अजूबों में से एक है पीसा की मीनार, जो इटली में मौजूद है और अपनी अक्ष पर 5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। ऐसे में पीसा की मीनार को पहली नजर में देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह इमारत कभी भी गिर सकती है, लेकिन पीसा की मीनार इतनी मजबूत है कि वह भयानक भूकंप आने के बाद भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई है। कहा जाता है कि पीसा की मीनार को सीधा बनाया जा रहा था, लेकिन जब इस इमारत की तीसरी मंजिल बनकर तैयार हुई थी तो उसमें रेशमी ढंग से झुकाव आने लगा था। कहा जाता है कि इस इमारत की नींव को मुलायम मिट्टी के ऊपर तैयार किया गया था, जिसकी वजह से जैसे जैसे इमारत में मंजिलों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे इसका झुकाव बढ़ने लगा था। ऐसे में पीसा की मीनार में कुल 8 मंजिल बनाकर तैयार की गई, जबकि इसका खूबसूरत डिजाइन देखने में बेहद आकर्षक लगता है। लेकिन जब यह इमारत बनकर तैयार हुई तो कई लोगों का मानना था कि झुकाव की वजह से पीसा की मीनार भूकंप के झटके झेल नहीं पाएगी और जल्दी गिर जाएगी, लेकिन इस इमारत को बने हुए सालों का वक्त गुजर चुका है, जबकि इस दौरान इटली में कई भयानक भूकंप भी आए हैं, लेकिन उसका पीसा की मीनार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में जब इस मीनार के ऊपर रिसर्च की गई तो इंजीनियर्स ने पाया कि इसकी नींव की मिट्टी बहुत ही नरम और मुलायम है, जो भूकंप के तेज झटके आने पर आसानी से हिलती नहीं है। ऐसे में मिट्टी में कोई हलचल न होने की वजह से पीसा की मीनार की नींव सुरक्षित रहती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इमारत भूकंप के झटके को आसानी से झेल जाती है। यही वजह है कि पीसा की मीनार झुकाव के बावजूद भी भूकंप के झटकों को झेलने में सक्षम है, और यह खूबी इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाने के लिए काफी है। नंबर 7, टाइटैनिक को दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जहाज माना जाता है, जो बहुत ही विशाल और लग्जरी था, लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही समुद्र में डूब गया था। ऐसे में टाइटैनिक में पहला सफर तय करने के लिए कई यात्रियों ने टिकट बुक करवाई थी, लेकिन क्या आप जानते कि टाइटैनिक का किराया कितना था? इस 17 मंजिला ऊंचे जहाज को 3 क्लास में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान की गई थी। ऐसे में उस वक्त फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले एक यात्री की टिकट का किराया 3,56,000 रुपए के आसपास था, जबकि सेकंड क्लास का किराया 1.5 लाख रुपए और थर्ड क्लास का किराया 2,400 रुपए के आसपास था। इन तीनों ही क्लास में थर्ड क्लास वालों को सबसे कम सुविधाएं दी गई थी, जबकि उनके कमरे भी जहाज के सबसे निचले हिस्से में मौजूद थे, जहां एक ही कमरे में कई यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। टाइटैनिक में यात्रियों के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 से ज्यादा अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 से ज्यादा ब्रेड के पैकेट्स मौजूद थे, जबकि उस जहाज में कुल 1,800 यात्री और क्रू मेंबर्स एक साथ सफर कर रहे थे, लेकिन वह सभी अपनी यात्रा को कभी पूरा नहीं कर पाए और लगभग 1,500 से ज्यादा यात्रियों की हादसे में जान चली गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।